अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ओपन द सीक्रेट विद फैब्स फिल्म एंड फोटोग्राफी सोसाइटी सीईओ। ये मैंने एक दफा क्या बनाया था, ये याद है? हाँ, बता दूं कि मैं यहाँ केई का ग्रेजुएट हूँ। ये बड़ा चौक ये रिकॉर्ड पर ये वाला पार्ट लैदा मुझे करके देना बार बार चला उसमें वो खास तौर पे चीज का एक पैकेट था ना, मैंने कहा अब ये जाया ही हो जाए ना, मैंने तो चले जाना ये भी डाल दो सर। नानी के उन्होंने बड़ा सीखा, लेकिन और मैं बाकी भी अगर नाम ले सकता ना तो ऑब्वियसली मेरी वाइफ, फिर मेरी बड़ी बेटी, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, और फिर टीचर हैं हमारी। आपको पता ना, मशहूर यही है कि वो लड्डू हैं जो ना खाए वो भी पछताते और जो खा ले वो भी पछताते। इसमें तो बड़ा सोचना है, अब वो सामने बैठी हुई है, अब मैं क्या बताऊँ। उस वक्त कुछ मेरे दोस्तों ने भी मोटिवेट किया और मुझे भी लगा अच्छा, तो मैं उसी वक्त से मेडिकल के शोबे की तरफ आ गया, तो वो That would be the real gift. यहाँ का सेगमेंट होगा completely different, क्योंकि यहाँ पर होस्ट होंगे हमारे स्टूडेंट्स और हमारे गेस्ट होंगे हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स, जिनके बारे में हम जानेंगे कि वो क्या चीज़ पसंद करते हैं, क्या चीज़ है जो उन्हें अच्छी लगती है और क्या चीज़ है जो उन्हें बुरी लगती है। आई एम योर होस्ट आयशा तारिक, फाइनल ईयर ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट CEOAVS एंड प्रेजिडेंट ऑफ फिल्म एंड फोटोग्राफी सोसाइटी। आज जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस, मोस्ट प्रोफेशनल एंड मोस्ट पंचुअल प्रिंसिपल ऑफ CEOAVS, द वन एंड ओनली प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद कमाल सिद्दीकी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। नहमदू नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरी पैदाइश तो लाहौर शहर की है, बल्कि गंगाराम हॉस्पिटल की है, तो बाद में मैं वहाँ काम भी किया एज रजिस्ट्रार, फिर एज प्रोफेसर, एज यूनिवर्सिटी के भी रजिस्ट्रार भी काम किया। तो लेकिन मेरे वालिद मरहूम साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो सियालकोट से आए थे लाहौर। तो जर्नी ये है कि यहीं एक स्कूल तो बहुत बड़ा था, लेकिन वही जो पीले स्कूल होते हैं सरकारी, उन्हीं में मैं पढ़ा हूँ, मुजंग में, और फिर FSC और उसके बाद किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट में किया, और फिर मैंने स्पेशलाइजेशन आई में की FCPS, और उसके बाद मुझे मौका मिला UK जाने का, वहाँ से FRCS किया, और फिर मुझे वहाँ जॉब करने का अल्लाह ताला ने मौका दिया, तो 5 साल वहाँ मेरी ट्रेनिंग हुई, जॉब भी थी साथ में, और उसके एंड में मुझे स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग कंप्लीट करने पे मुझे CCT अवार्ड हुआ, जिसका मतलब है कि मैं वहाँ स्पेशलिस्ट रजिस्टर पर हूँ और जब भी मैं चाहूँ वहाँ जाके स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस शुरू कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे ऑस्ट्रेलिया में भी काम करने का मौका मिला, वहाँ पे भी ट्रेनिंग मेरी बहुत ही स्पेशलाइज थी, ऑर्बिट एंड ओकुलोप्लास्टिक सर्जरी, जिसमें कैंसर सर्जरी और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी आती है, तो वो भी मुझे इस वजह से मिली कि मैं पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ था, और पूरी दुनिया से उन्होंने एक कोई फेलो सिलेक्ट करना था और उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर पाकिस्तान में आके मुझे गवर्नमेंट की जॉब में पंजाब पब्लिक सर्विसेज कमीशन से डायरेक्ट ऑन मेरिट सिलेक्शन हुई, और उसके बाद मुख्तलिफ इदारों में मैंने फैकल्टी पोजीशन पे काम किया, और फिर मेरी एज़ प्रोफेसर भी डायरेक्ट सिलेक्शन हुई पंजाब पब्लिक सर्विसेज कमीशन से, और फिर जिस तरह आपको पता है आगे मेरी सिलेक्शन एज़ प्रिंसिपल भी हुई साहिवाल में, और अब आपके इदारे में भी मैं प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ। तो ये अल्लाह ताला ने बहुत ही नेमतें और बहुत ही मेहरबानियाँ की है मेरे। पेरेंट्स का ख्वाब तो वालिद साहब को था शौक फ़ौज में भेजने का, तो शुरू में तो फ़ौज के ही था जहन में, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब वो कि सिलेक्शन करनी होती है कि जी प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग, तो उस वक्त कुछ मेरे दोस्तों ने भी मोटिवेट किया और मुझे भी लगा अच्छा, तो मैं उसी वक्त से मेडिकल के शोबे की तरफ आ गया, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला तो काम है बहुत ज़्यादा, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन अगर मुझे मौका मिले तो मैं ज़रूर ये करना चाहूँगा, क्योंकि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है इसमें हम
उतना ही लोगों के लिए फायदेमंद भी हो सकता है। सर कौन सी ऐसी थिंग है, कौन सा पर्सन है जो आप कहते हैं मतलब की पॉइंट जो आप माशाल्लाह इतनी स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में, इतनी मेहनत कर रहे हो, वैसे क्या चीज आपकी क्या इंस्पिरेशन जो आपको कहती है यस यू कैन डू दिस? ये सेल्फ मोटिवेशन इंस्पिरेशन तो हमारे लिए एक तो हमारे जो रोल मॉडल हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी लाइफ हिस्ट्री मैंने बार बार पढ़ी है कि उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। दूसरे मेरे मुर्शिद ग्रामी सैयद मोहम्मद वजीह सीमा इरफानी रहमतुल्लाह अलैह और आगे उनके साहबजादे सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी साहब, वो हमें यही कहते हैं कि पाकिस्तान की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें। तो ये चीज़ें ऐसी कोई बचपन की कहानी जो हमारे शेयर करना बातें तो बहुत सारी हैं अभी शैतानियाँ चलें वो मैं बता देता हूँ। शरारत मेरे से ज़्यादा तो मेरा छोटा भाई करता था, अलबत्ता वो शिकार में हो गया तो वो आपके लिए शायद वो दिलचस्प कि मेरे दादा को बड़ा शौक़ था, वो सर्दियों में गाजर का हलवा बनवाते थे और उसमें ख़ास वो खोया और वो सारा सिस्टम और मेवा जात चारों मगज बड़ा वो लंबा चौड़ा था सिस्टम, तो वो बनवा के रखते थे और वो अपनी मंजी के नीचे वो स्टोर होता था एक डब्बे में। तो एक दिन उन्होंने निकाल के रखा अपनी प्लेट में वो, और खाने लगे थे तो वो उन्हें कहीं जाना पड़ा तो वो बाहर गए, तो मैं और मेरा भाई किसी वजह से उनके कमरे में चले गए। तो मेरे भाई ने, वो छोटा भाई है, और उसने वो हलवा तनावुल फरमा लिया और ख़ाली प्लेट मेरे हाथ में दे दी। अब जो वो आए तो वो समझे कि ये इस गुस्ताख ने, इसी ने खाया ये सारा हलवा, तो मेरी पिटाई बाकायदा तफसीलन हो गई और वो खिसक गया वहाँ से। तो ये मज़लूम अच्छा सर कोई एडवाइस जो आप लोगों को देना चाहें, तीन मैं आपको बताऊंगी, आपने एक लाइन में एडवाइस देनी है लाइफ के बारे में, आप लोगों को क्या कहेंगे? लाइफ के बारे में यही है कि आप स्ट्रगल करें। ये बड़ा चौक, मैंने तो बताया था दोनों, मेरा ख्याल हाइब्रिड मॉडल ही था कि हमारी मेरी कज़न है ना, तो वो कज़न में तो वो शुरू से ही कुछ ना कुछ चल रहा होता है खिचड़ी ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो माँ बाप ने उसमें घी डाल दिया खिचड़ी में। आयशा सलीम फ्यूचर ऑफ क्वेर्स, एडवाइस ये है कि और काम करें जितना कर रही हैं। डॉक्टर इमरान थोड़ा बोल भी लिया करो यार, एडवाइस तो दे दी। अच्छा हाँ नहीं बहुत, हाँ वो साइलेंट वर्कर हैं, वो भी वैसे तो साइलेंट वर्कर हैं लेकिन शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। ज़रा वो बोलना, वो उन्हीं को मैं कहूँगा बोला ज़रा ज़्यादा करें और एक्सप्रेशन में ज़रा पावर लें। मदीहा नाजली, हाँ मदीहा नाजली ने, मैंने उनको वैसे जो एक बात कही थी मैं आपको बताता हूँ, मैंने उन्हें कहा था कि आप ख़ुद भी हिजाब में, आपका डिपार्टमेंट भी हिजाब में, तो उनका माशाल्लाह बहुत ही एंथुजियास्टिक, एक लफ्ज़ मैं आपके अंदर एंथुजियास्टिक एडवाइस ये कीप इट अप। शहीर साहब टेक ओवर, एडवाइस ये कि वजन कम कर लें तो ज्यादा आसानी होगी। अनवर अवान को तेज़गाम है,
मैंने उन्हें मुंह पे भी कहा है, मैंने कहा आप अपनी स्पीड जरा बात की कम कर लें। तस्वीर कभी उतरवा लिया करें आप। अच्छा, ये एडवाइस है उनके लिए, तो एक वर्ड खुश रहें। हमारा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, और ये है कि स्टैटिस्टिक्स के हट के भी आप और चीज़ों में दिलचस्पी लें। अस्मा वेरी हार्ड वर्किंग, और आई विश के वो PhD भी करें। आबदा हमारी, शी इज़ गॉट ग्रेट मैनेजेरियल स्किल्स, और मैं चाहता हूँ कि वो नर्सिंग का प्रोग्राम और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाए। हम हकीम साहब की जिम्मेदारियाँ आगे बढ़ती जा रही, उन्होंने बहुत एक अहम प्रोग्राम आगे सेंटर करना, तो आई विश के ये इसको ज़्यादा अच्छी तरह लेके चलें। इसको हकीम हकीम है और क्या, उसके और कुछ नहीं हो सकता। हकीम भी है, अंजुम भी है, अब एक वर्ड में तो समाता ही नहीं है। ऐसे अब हम चाहेंगे क्या कुछ गा सकते हैं? गा कुछ भी, कोई नहीं, एक गाने वाली है बात। नाम पढ़ ले। हाँ नहीं, मुझे वो गाने वाली मेरी आवाज़ नहीं है वैसे। ये मैं वो बेटे के साथ करता हूँ ना प्रैक्टिस, वो जब वो होता है 14 अगस्त, कौन सा वो हमने किया था इस दफ़ा के ये, हाँ ये, हाँ ये मुझे बड़ा पसंद है। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासवान इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खान इसके। अच्छा, फैमिली व्हील में जो हम सबको इक्वली पसंद है ना, वो बिरयानी। तो वो पास में की बिरयानी है, सिंपल सब की तरह की बिरयानी। वो बस कराची वाली बिरयानी होती है। कौन सी सेलिब्रिटी आपको पसंद है? मुझे ये क्रिकेटर्स में से क्या नाम है, रमीज राजा, ये मुझे बहुत पसंद। अच्छा, क्रिकेटर भी हैं और मैनेजर भी बड़े अच्छे। नहीं इस तरह का नहीं, अलबत्ता वो मेरी बेगम बड़ी नाराज होती हैं बाद में, वो जब हलवा पूरी खाते हैं तो चने और हलवा मिला के मैं पूरी के साथ खाता हूँ, वो कहती हैं ये क्या, हमने दोनों को ख़राब कर दिया, तो वो अच्छा लगता है। अच्छा, फिर आपको कैसी ज़्यादा पसंद है, काम करना, सोना या आउटिंग? मुझे तो काम करना ही ज़्यादा पसंद है। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि सबसे ज़्यादा क्लोज कौन है आपके, जिसके साथ आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो या जो आपके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं और आपको उनके साथ बैठ के उनसे बात करनी चाहिए? मेरी लाइफ पार्टनर, मेरी वाइफ। उनकी सबसे अच्छी बात तो यह है कि उनकी वो मासूमियत है, क्योंकि मेरी कज़न भी है, मैं जानता हूँ कि जब हमारा तारुफ हुआ था टीन एज में, वो जितनी मासूम उस वक्त थी अभी भी उतनी मासूम है, और दैट इज़ द ओरिजिनलिटी कि आप एज जो फिज़िकल है वो आपकी अंदरूनी ब्यूटी और एक वो मासूमियत को तबाह ना करे, तो ये मुझे बड़ी पसंद है। और जो मैं चाहूँगा चीज़ बदल जाए वो ये कि वो जब भी दूध बॉयल करती हैं तो गिर जाता है, तो वो ये आदत छोड़ दें, क्योंकि पूरे घर में स्मेल हो जाती है। थैंक यू सो मच सर। क्या चीज़ है जो आप कहते हैं कि इस चीज़ की वजह से मैं चाहता हूँ कि लोग जी हार रखें? मेरा तो दिल चाहता है कि मैं किताबें लिखूँ उस वजह से, और ताकि मैंने जो सीखा है वो लोगों को कन्वे करूँ। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो एक टीचर की तरफ से है,
मेरी जो दिली ख्वाहिश है कि गिफ्ट जो फिज़िकल होते हैं या मॉनेटरी होते हैं वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं होते, शॉर्ट लास्टिंग होते हैं। मेरी तो ख्वाहिश होगी कि हर मेंबर हमारा एक एक साइंटिफिक पेपर पब्लिश करे और उसमें मुझे को ऑथर बनाए और मेरे से भी काम करवाए। दैट वुड बी द रियल गिफ्ट। और इसमें आप लोगों के लिए भी एक मोटिवेशन है। ये पढ़ाई तो नहीं, देखिए रिसर्च को दरअसल पढ़ाई नहीं होती। मैं इसमें आपके लिए एक मैसेज भी होता है, आप लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि ये इस तरह हो सकती है। तो वो अगर हम खुद करते रहेंगे तो ठीक है, हम कितने लोगों को फ़ायदा बनेंगे, हज़ार। लेकिन अगर वही बात हमारी थ्रू रिसर्च एंड पब्लिकेशन हज़ार लोगों को पहुंच गई तो मे बी कि कई लाख लोगों को फ़ायदा हो सके। और हदीस शरीफ के खैरुन नास मैं यनफाउन नास, जो इंसान दूसरों के लिए ज़्यादा मुफीद है वो अच्छा इंसान। नहीं मैंने नहीं सोचा था। थैंक यू वेरी मच। आप लोग कहना चाहेंगे? मैं वैसे यंग लोगों के लिए एक अलामा इकबाल का एक कपलेट शेर पेश करना चाहूँगा। खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं, हर एक मुकाम से आगे मुकाम है तेरा, हयात ज़ौक सफ़र के सिवा कुछ और नहीं। हाँ, यूके गया और फैमिली मेरे साथ नहीं थी उस वक्त, तो वहाँ मुझे मेरे एक दोस्त हैं वो भी डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे सिखाया और उन्होंने मुर्ग चने मुझे पकाना सिखाया। तो वो एक ही डिश मुझे आती थी तो मैं मुर्ग चने पका लेता था और पूरा एक हफ्ता खाता था। सबसे अच्छी चीज आप क्या था? बात लोगों के ना हाथ में टेस्ट होता है। अब मुझे वैसे फॉर्मल कुकिंग नहीं आती लेकिन ऐसे ही कर लेता हूँ एक्सटेम्पोर टाइप। एक दफ़ा मैं था वहाँ पे और मेरे घर वाले मुझे छोड़ के, यानी वो आ गए थे, पहले आ गए थे, मैंने बाद में आना। तो एक मेरा हमसाया था उसने मुझे कुछ कुकिंग करके एक दफ़ा खिलाई, फिर मैंने कहा यार मैं तुम्हें कुकिंग करके खिलाऊँगा। अब पता नहीं वो दाल पकानी थी, दाल मैंने कहा यही रह गई पका दूँ। अच्छा दाल पकाई, अब मैंने जो भी चीज़ें थी ना सारी डाल दी उसमें। वो ख़ास तौर पे चीज़ का एक पैकेट था ना, मैंने कहा अब ये ज़ाया ही हो जाना, मैंने तो चले जाना ये भी डाल दो सर। अच्छा अब वो जब आया शाम को कहा अच्छा डॉक्टर साहब आप तो कैसे, आपको कुकिंग नहीं, ये तो इतना मज़ेदार है। तो वो एक्सटेम्पोर कुकिंग हो जाती है। ये जर्मनी की जो चांसलर एंगेला मर्कल, उनके साथ मैं चाहूँगा। एंगेला मर्कल ने अपने मुल्क को खड़ा कर दिया। एंगेला जब आई थी उस वक्त जर्मनी बहुत नीचे था और 15 साल में उन्होंने, एंड शी इज़ ए साइंटिस्ट, मेरे ख्याल केमिस्ट्री की वो टीचर या इस तरह है, और 15 साल उन्होंने हुकूमत की। और उसके बाद अवाम रो रहे थे कि जी आपने नहीं जाए, आप रहे हैं हमारे साथ। उन्होंने कहा नहीं अब मैं रिटायर होना चाहता। ग्रेट लेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नहीं तीनों ही होनी चाहिए लेकिन अगर एक ही चूज करनी पड़े तो ऑनेस्टी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा ऐसी कौन सी जगह
जहाँ पर रोड्स हैं लेकिन वहाँ ट्रैफिक नहीं है, फॉरेस्ट हैं लेकिन वहाँ ट्री नहीं है, सिटीज हैं लेकिन पीपल नहीं है। किताब के अंदर वो गूगल मैप आप देख लें, जो भी इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक मैप है। एक लड़की पिछले तेरह साल की थी, तेरह साल की थी वो एक लड़की, नेक्स्ट ईयर उसने 12 साल का, एक साल 13 की है तो 14 की नहीं होगी, 15 की हो जाएगी, कोई वो 29 फरवरी वाला चक्कर तो नहीं है। अच्छा क्यों, 29 फरवरी की कोई है चक्कर इसमें? अच्छा एक लड़की है, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको वैसे पता लग जाएगा, मैं आराम से दे रही हूँ। एक लड़की है, फॉर एग्जाम्पल मैं पिछली बर्थडे पे 13 या 13 साल की, नेक्स्ट बर्थडे पे मेरी 15 है, 14 ही है, कैसे मतलब ऐसा हो, आप पहले कह सकते हो कैसा नहीं हो सकता क्या ये हो सकता है? नहीं हो तो नहीं सकता, फिर कैसे हुआ मुझे नहीं। आप खुद ही तो कह खुद ही आपने कहा कि ये गलत जवाब दें, तो मैं गलत जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है, और अब बहुत आसान से एक वर्ड है, ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें हम टू वर्ड्स ऐड करें तो वो शॉर्टर बन जाएगा? तो क्या बनेगा? टू वर्ड्स ऐड करेंगे तो वो शॉर्टर बन जाएगा। शॉर्टर बन जाएगा, ऐसा कौन सा वर्ड है? शॉर्ट है ना उसमें ऐड करेंगे तो शॉर्टर पास। सर मैं आपसे कुछ कहूंगी जो उसका आप कहने के लिए ये चीज मैंने कभी नहीं की, नेवर एवर आई, मैं आपको सिचुएशंस कहूंगी और आपको कहेंगे नहीं ये सुन लो, ठीक है सर? सबसे पहले कि मोबाइल यूज करते थे आप गिर गए, वॉक करें मोबाइल यूज करके और कभी गिर गए? शायद गिरा तो नहीं, लेकिन मुझे खतरा हमेशा रहता है इसलिए मैं स्टेयर्स पे नहीं यूज़ करता। तो अभी ये नहीं, नेवर एवर आई कि मैं नहीं गिरा इसने। हाँ गिरा तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई टॉक्सिक फ्रेंडशिप इस नाम के नहीं होगी? टॉक्सिक, हाँ टॉक्सिक तो वो मतलब फ्रेंडशिप नहीं कह सकते, वो खुद ही चिमट जाते हैं इस तरह के लोग तो जो टॉक्सिक होते हैं, जरूरी नहीं कि आपके दोस्त। कभी ये कोई एक दफ़ा नहीं, ये तो बारहा हुआ है, जब हम यूके में थे तो हम बाहर ही से देखते थे कि मेन्यू इतना है, नहीं भाई नहीं यहाँ नहीं जाना, और जाके हम चुपचाप फिश एंड चिप्स खा लेते थे। वो गलत जब मिल जाता है बाद बार डायल करते तो मैं कहता हूँ और सुनाएं जी आपको बड़े दिनों से बात नहीं हुई थी, मैंने कहा आज पूछो। देखें इसमें वो कहते हैं कि 100% सच भी ठीक नहीं होता, अगर किसी की दिल आ रही हो, अगर मैं उसे कहूँ जी मैंने तो वो किसी और को कर रहा था और आपको गलती से मिल गई तो वो हर्ट होगा ना, वो कहेगा देखो ये बात तो करना नहीं चाहता था, मजबूरन कर रहा है मेरे से, तो क्या फ़ायदा हुआ। और एक शेर है फारसी का, दिल बदस्तावर के हज अकबरस अज हज़ारों काबा यक दिल बेहतरस, यानी 1,000 काबों से ज़्यादा एक दिल की अहमियत, तो जिससे किसी का दिल टूटे वो नहीं काम करना चाहिए। कभी ऐसे हो गया कि आपने हैंडफुल लगाया और आपको अपने सॉन्ग में ठीक है और गाने जो भी सुन रहे हैं छोटी और वो एकदम से आप लाउडली बोलने लगे पब्लिक में लेकिन आपको पता नहीं लगा, कभी ऐसा हुआ? जवानी में, जवानी तो अभी भी है मेरी लेकिन हैंड्स फ्री मैं इस्तेमाल नहीं करता, हैंड्स फ्री दरअसल वो मैंने कई दफ़ा ली है, मैं 3 या 4 दफ़ा खरीद चुका और वो गुम हो जाते हैं मेरे, फिर मैंने छोड़ ही दिया वो, हाँ वो नहीं मैं यूज़ करता। मैं तो देखें जब स्पीच में जज्बाती हो जाता हूँ मैं तो स्पीच में भी रो पड़ता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ इमोशनल तो हूँ और मैं चाहता हूँ कि इमोशंस को रोकना भी नहीं चाहिए, जिस इमोशन से आप दूसरे को कोई मैसेज कन्वे कर सकते हैं वो ज़रूर आपके पास होना चाहिए। आपने सारी राज पूछने हैं, मैंने तो अभी दादा अभी तो मैंने दादा से पिटाई का बताया आपको, अब आप ये दर्जा बदर्जा आप नीचे, अच्छी खासी
नहीं अच्छे हंसनी अब फादर मेरे वो बहुत कम ऐसे फिजिकल करते थे पनिशमेंट, उनकी जो सबसे बड़ी पनिशमेंट हमारे लिए होती थी ना कि वो बातचीत करना बंद कर देते थे और वो फिर हमारा पूरा घर जो था ना वो सस्पेंडेड फिरता था, वो बाज़ दफ़ा हमें नहीं पड़ती थी और हम अपनी गलती करेक्ट कर लेते। फादर के साथ फ्यूचर में मेरे जो जी फ्यूचर में मेरा सबसे बड़ा प्लान जो है, मेरा बेटा है 11 साल का, उसको मैंने हिफ्ज़ कराना, तो अब मेरा सारा जो फोकस है ना उस तरफ इंशाल्लाह। लाइफ के बारे में यही है कि आप स्ट्रगल करें, अल्लाह ताला आपको जो चीज़ आप सोच रहे हैं या वो या उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ देगा, तो आपका फ़र्ज़ ये है कि आप काम करते हैं। सेकंड क्या कैरियर के बारे में एडवाइस मेरी ये है कि वो काम करें जिसमें आपको मज़ा आता, सिर्फ ये नहीं कि क्योंकि वो फलाने ये कह दिया तो मैं ये कर लूँ या इसमें बहुत पैसा है या इसमें वो, ये सब चीज़ें आरजी होती हैं, जो चीज़ आपको मज़ा देती है आपको। नहीं वो इसके बारे में तो मैं आपको पता ना, मशहूर यही है कि वो लड्डू हैं जो ना खाए वो भी पछताता है और जो खा ले वो भी पछताता है, लेकिन चूँकि शादी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और हुक्म भी है, ज़रूर करनी चाहिए, और अगर तो ये कॉम्बिनेशन हो दोनों सूरतों का तो बहुत बेहतरीन, और जो इस्लाम की तालीमात हैं उसमें भी यही है कि जो दोनों हैं लड़का और लड़की उनकी राय और की ज़रूर अहमियत देनी चाहिए और उसके मुताबिक चलनी, अलबत्ता ऑन दी अदर हैंड पेरेंट्स की खुशी और मर्ज़ी और उनका ब्लेसिंग वो ज़रूर शामिल होनी चाहिए। ठीक है सर, लेकिन चूँकि शादी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और हुक्म भी है, ज़रूर करनी चाहिए, और अगर तो ये कॉम्बिनेशन हो दोनों सूरतों का तो बहुत बेहतरीन, और जो इस्लाम की तालीमात हैं उसमें भी यही है कि जो दोनों हैं लड़का और लड़की उनकी राय और की ज़रूर अहमियत देनी चाहिए और उसके मुताबिक चलनी, अलबत्ता ऑन दी अदर हैंड पेरेंट्स की खुशी और मर्ज़ी और उनका ब्लेसिंग वो ज़रूर शामिल होनी चाहिए। ठीक है मेरी पोजीशन सही है, ज़्यादा चौड़ा होकर तो नहीं बैठ। अच्छा जब रिकॉर्डिंग होगी उसके बाद सुनना, मुझे भी बता दें, उसी को बताई जा रही है, मैं क्या ठीक करूँ, इसमें पास हो क्यों जी हकीम सर, क्यों जी ठीक है, तो खतरनाक बात तो नहीं ना कही।